कैलब दादा, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आज आप आंदोलन कर रहे थे, हमारी टीम आपके साथ थी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं दिलीप दादा, क्यों डॉक्टरों के खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन लेती हैं और बाद में आपके प्रेशर में वापस ले लेती हैं? क्या है या किसको है जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी बंगाल को जलने दे रही हैं? बंगाल के युवाओं को सड़क पे उतरे हुए हैं, लेकिन उनका बुलडोजर बीजेपी के दफ्तर पे चल सकता है, इन हैवानों के इलीगल घरों पे नहीं? देखिए, बंगाल में जब ये सत्ता में आई ममता बनर्जी, एक कामधेनु बोल के घटना हुई थी नॉर्थ 24 परगना में एक कॉलेज लड़की के साथ। अभी तो किसी की सजा नहीं हुई है, बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया उन्होंने, लोगों को भगा दिया, उनका परिवार को कटा दिया, उनको कोई लालच दिया, और उसके बाद जिलों में इस प्रकार घटना लगातार हो रही है। जो घटना कई बार सामने आया वो कामधुनी में 8 महिला 2 बच्चों को घर में बंद करके किरासिन डाल के जला दिया गया है। ऐसे लगातार घटना घट रही है, सीरीज ऑफ घटनाएं। आप जानते हैं कई बार महिला आयोग के जो चेयरमैन है कई बार आई है, चर्चा भी होती है, कई बार आंदोलन भी हम करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलती है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जो पोस्टमार्टम वायलेंस हुआ, लगभग 35 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, जो स्वीकार किया उन्होंने, कुछ लोगों तो माना ही नहीं। एक FIR नहीं हुआ, बाद में CBI होने के बाद FIR कुछ हुआ, 13-14, लेकिन किसी की सजा नहीं हुई है, और फिर दबा देते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता पिछले 10-12 साल से जो हम आंदोलन के इसके खिलाफ, लगभग 250 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है, तो हम जानते हैं कैसे होता है, और हर बार किसी ना किसी प्रकार से बच जाते हैं और दब जाती है। लेकिन इस बार ये जो घटना हुई है, इतना मर्मांतिक, इतना दर्दनाक हुआ है कि पूरा सोसाइटी, समाज इसका आंदोलन के रूप में हाथ में ले लिया और रास्ता में उतर गया है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि मोहन बागन के जो सपोर्टर है वो भी हजारों संख्या में रास्ता निकले, क्योंकि डार्वी में भरपूर प्रयास कर रही है इन गुनाहगारों को बचाने के लिए। पता नहीं क्या इनका इंटरेस्ट है, हमेशा एंटी सोशल को, एंटी नेशनल लोगों को बना देती है और बचाने का प्रयास करती है। बिल्कुल, कुछ थोड़ा टेक्निकल एरर हो रहा है दिलीप दादा के साथ। कैन आई गो टू माय पैनल प्लीज? चारू जी, ममता काले जी, अनुराग भदौरिया जी, संजय सरकार जी। चारू जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, चारू जी विद ग्राफिक्स, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूँ, चारू जी, अनुराग भदौरिया जी एंड ममता काले जी, दिस 3 पीपल विद ग्राफिक्स प्लीज। चारू जी, वो बुलडोजर ममता बनर्जी बीजेपी के दफ्तर पर चला सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें बुलडोजर चलाने से कोई गुरेज है। उनको उन हैवानों के ऊपर या उनकी पार्टी को उन हैवानों के इलीगल प्रॉपर्टीज पर चलाने से गुरेज है। और बंगाल में बीजेपी तो खुल के कह रही है कि ममता दीदी के अलावा किसी को लगता नहीं कि जिनको पकड़ा है वो सच में जिम्मेदार है। किसको बचा रहे हैं, क्या हो रहा है? डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्ट्राइक वापस ले ली है, लेकिन क्या इसका मतलब ये कि प्रेशर इज ऑफ ममता बनर्जी, कि अब कोई प्रेशर नहीं है उन पे? क्या भारत की, क्या बंगाल की वो बेटी अब सुरक्षित है? इस सब के जवाब कहां गए? हमने निर्भया कांड के बाद वो सारे आंदोलन देखे हैं, मैं कल से कह रहा हूं, परसों से कह रहा हूं, हमने निर्भया ट्रस्ट फंड देखा, निर्भया टास्क फोर्स देखी, क्या नहीं देखा, लेकिन सब ढाक के 3-5 चारू, इट हैज ऑल कम बैक टू हॉन्ट अस, बट दिस टाइम वी कैनॉट अलाउ दिस टू हैपन। चारू जी, डॉक्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि आप ये होने देंगे। ममता बनर्जी नीड्स टू एक्ट एंड नीड्स टू एक्ट नाउ। ऐश्वर्य नमस्ते। डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, इसलिए स्ट्राइक को खत्म किया है। स्ट्राइक हो या ना हो, सरकार का काम, हम सब का काम नागरिक होने के तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। सिचुएशन इतनी घटिया है पश्चिम बंगाल की, मैं क्या कहूँ, पूरे देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री है, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीड़िता का साथ छोड़ के आरोपी की ढाल बनने का काम किया हो। चाहे आप नदिया की बात करें, एक 14 साल की बच्ची थी, 14 साल की बच्ची जिसको मार के काट के रेप करने के बाद फेंक दिया गया था, कहती है मुझे क्या पता, हो सकता है प्रेग्नेंट हो सकता है उसका कोई लवर हो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाली मुख्यमंत्री एक बच्ची के लिए, वो क्या ही साथ देंगी उस डॉक्टर का जिसकी इतनी भयानक तरीके से हत्या हुई हो, उसके बावजूद किसी ने FIR नहीं करी। ऐश्वर्या, भयानक भयानक हत्या थी, उसके बाद कहा गया अननेचुरल डेथ है,
मर्डर बोलने में कतरा रहे थे, क्यों, किसको बचाना चाह रहे थे, और आपने एफआईआर पूरा दिन निकल गया फाइल ही नहीं करी। अच्छा, एफआईआर की एक कहानी, दूसरी कहानी ये है कि क्राइम सीन को सील किया जाता है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, क्राइम सीन में कोई नहीं जाएगा, सील किया जाता है। यहाँ क्राइम सीन में रेनोवेशन चल रहा है, क्राइम सीन में लोगों को घुसा दिया जाता है, और अगर जनता प्रोटेस्ट करना चाहती है, आवाज उठाना चाहती है, तो इनके मंत्री गुआ कहते हैं उंगली उठाओगे मेरी सरकार के ऊपर, ममता दीदी के ऊपर, तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। इस तरीके का डिस्पेंसेशन है और कोई कुछ कह नहीं पाता। अच्छा, रोज के हाथ से ऐसे चलते हैं। मुझे लगता है कि इस बार हमें शांत नहीं होना है ऐश्वर्या, हमें तब तक शोर मचाना है जब तक पश्चिम बंगाल में एक एक महिला को इंसाफ नहीं मिल जाता, चाहे वो 14 साल की बच्ची है वो जो नदिया में थी, या वो 60 साल की महिला जिसका रेप हुआ था और FIR फाइल कराने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा था। आज की एक और केस बताती हूँ, TMC का कार्यकर्ता फिरोज खान, उसने एक शादीशुदा महिला का रेप किया और सामने बंदूक रख के, और उसके बाद अंग्रेजी में न्यूज मेरे सामने है, inserts a gun into her genitals, ties her 4-year-old child in a gunny bag, उसकी 4 साल के बच्चे को बोरी में बांध दिया और बंदूक को उसके अंदर, उसके जेनाइटल्स के अंदर डाल दिया। ये हालत है पश्चिम बंगाल की ममता दीदी के कार्यकर्ताओं की, जो हर दिन ऐसे हादसों में बिल्कुल सबसे सामने खड़े रहते हैं, जो प्रोटेस्ट में भी तोड़फोड़ करने वाले लोग थे ना, प्रोटेस्टर्स को परेशान करने वाले तो लोग थे, CCTV में जब उनके फोटोज को देखा गया उसमें भी TMC के कार्यकर्ता निकल कर सामने आए हैं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि हम डिबेट करके क्या कर पाएंगे ऐश्वर्या। ममता दीदी क्या करती है, देखिए चिट्ठी लिखने से कुछ होगा नहीं, 10 सेकंड, चिट्ठी में क्या मांग कर रही है, चिट्ठी में वो मांग कर रही है जो भारत की न्याय संहिता में ऑलरेडी है। चिट्ठी में कहती है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, अरे फांसी से कड़ी कौन सी सजा होती है, आपको क्या कानून नहीं पता देश का? एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर कौन सा सब्जेक्ट है, जरा संजय सरकार जी को लाइए। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। चारू आई नो यू ऑल्सो नो दैट, मेरे को पता आपको मालूम है, मुझे मालूम है और दर्शकों आपको भी मालूम है। संजय सरकार, TMC के नेता अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कौन सा सब्जेक्ट है संजय दा? स्टेट सब्जेक्ट है। आपकी पुलिस को काम करना है, मुख्यमंत्री आपकी, आप केंद्र सरकार से क्या मांग रहे हैं? आप चाहते तो एक्ट कर सकते थे, आप चाहते तो बुलडोजर चला सकते थे, बाबा ने चलाया ना, दोषियों के ऊपर चलाया, गैंगस्टर्स के ऊपर चलाया, हैवानों के ऊपर चलाया। संजय दा, अगर जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर आपकी, भारत की एक लौती महिला मुख्यमंत्री आज की तारीख में ममता बनर्जी में अगर चाह होती टू एक्ट अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हॉरेंडस हीनियस कास्टर्डली एक्ट, संजय दादा, तो वो काम करती, उन्होंने नहीं किया। अंडर द कार्पेट टू ब्रश अंडर द कार्पेट, कोशिश होता रहा बचा ले। मैं यही समझना चाह रहा हूं संजय दा, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, किसको बचाने के लिए हो रहा है ये सब, किसको और क्यों? अगर बचाने के लिए होते तो 12 घंटे के अंदर में आरोपी को अरेस्ट नहीं कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है शुभेंदु अधिकारी के इलाका में नंदीग्राम में एक महिला को भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ने नंगा करके घुमाया, पीटा गया हॉस्पिटल, उसको बेटी के साथ भी बदसलूकी कर दी गया, ये कहाँ रहती है, बड़े भाषण देता है। संदेश काली में शुभंकर बोल के एक लड़का, वो महिला मोर्चा का अध्यक्ष थी, उसको रेप किया है। बांकुड़ा में सोनामुखी में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का अध्यक्ष थी, उसको रेप किया, वो सुसाइड कर दिया है। चारू, गिव हिम टाइम, चारू प्लीज, चारू लेट हिम, देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड हिम बोथ। आसिमा बोल के रखिए, असीमा बोल के एक महिला है तमलुक में, भारतीय महिला मोर्चा के वहां के नेता थे, उसको भारतीय जनता पार्टी का जो महासचिव है उसने रेप किया है, तीन रेप किया, ये कहां थे? और नदिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से जगह में हुआ, बहना थोड़ा बोलेंगे 14 साल के बच्चे को रेप हुआ है आप बोलेंगे? अच्छा बोले बाबा जी ने आपको बुलडोजर चला, बाबा जी ने कुणाल पांडे, सक्कम पटेल, अभिषेक चौहान जो बनारस में गैंगरेप किया था भारतीय जनता पार्टी IT सेल के जो सब लड़का लोग था, उसको घर में बुलडोजर बाबा चलाया है,
चलाया कि बुलडोजर ओनली चारू प्रज्ञान संजय दत्त कैन आई हैव देयर पार्टी नेम्स ऊपर धीरज एटलीस्ट डू दिस फॉर मी जलाया गया था कैन आई बी इन द मिडल ओनली मी आप संजय सरकार एंड चारू प्रज्ञा अनुराग जी आ रहा हूं सिर्फ दो तीन मिनट दीजिएगा अनुराग जी आपको पूरा टाइम दूंगा नाउ अंडरस्टैंड दिस होल्ड ऑन संजय दा एक सेकंड मैंने आपकी बात मान ली चले नहीं सुनिए संजय दा अब आप मेरी बात सुनिए नहीं अभी नहीं संजय दा अब आप सुनिए मैंने आपको दिया मैंने आपकी एक एक बात मान ली मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहा सुन भी नहीं रहा चलिए एक मिनट के लिए मान ली आंख बंद करके मान लीजिए चारू जी मुझे बोलने दीजिएगा एक एक जो आपने बात बोली बीजेपी का हर नेता ऐसा है हर नेता जितनी गलतियां हुई है बंगाल में जितने रेप हुए हैं आपने कहा बीजेपी का कनेक्शन है ठीक है आपने एक्ट क्यों नहीं किया आप यहां गिनाने आए हैं कि आपकी सरकार में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी गृह मंत्री है आपकी सरकार में बंगाल में इतना सब होता रहा किसने रोका था आपको उनको अरेस्ट करने के लिए यह आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की इतनी पहुंच है बंगाल में कि वो तृणमूल सरकार और ममता बनर्जी के ऊपर आके अपने आप को बचा लेते हैं आप क्या जनता को समझते हैं जनता घास खाती है आप मुझे 10 कमियां गिनवा रहे हैं मैं कह रहा हूं 10 नहीं ये आपके लिए हमारे लिए गेट मी एवरीवन ऑन एयर ऑल माय 4 पैनलिस्ट ऑन एयर संजय दा सुनिए मेरी बात भगोड़ा जैसे भाग आजादी के 77 साल बाद एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है चारू जी ममता काले जी अनुराग जी संजय दा एक जिला नहीं है जहां पे महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के दुष्कर्म का केस रजिस्टर्ड ना हो और ये आपके और हमारे लिए शर्म की बात है लेकिन